बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा बात ध्यान से सुनिएगा जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो गर्ल्स का हाइट है, इसमें छूट को लेकर मांग कर रहे हैं कि गर्ल्स हाइट में छूट मिले, और आप लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि एज में भी छूट मिले, जो भी मैटर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी चीजें हो, वैकेंसी बिहार में हमेशा 2 से 3 साल बाद ही आते हैं। लगातार तो वैकेंसी आता नहीं कि हर साल वैकेंसी आ गए, इतना टाइम से तो बिहार चलता नहीं है। तो ऐसे में बच्चे लोग का जो एज है ये खत्म हो जाते हैं, और इसको लेकर आप लोग कल, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, शायद वीडियो कल अपलोड करूँ 14 तारीख को, पर कल आप लोग 14 तारीख को एक गांधी मैदान में अपना मांग रखने वाले हैं कि हम लोग को एज में छूट मिले, गर्ल्स हाइट में छूट मिले, और इसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बहुत सारे आप लोग को उकसाने आएंगे, बहुत सारे चीजें आप लोग को परेशान करने आएंगे, और आप लोग को परेशान नहीं होना, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने बात को रखना है, सारा चीज इस वीडियो में मैं क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। सारा बात ध्यान से सुनिएगा। पहला बात तो 20 जुलाई जो है आप लोग का जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का बिहार पुलिस कांस्टेबल का, 20 जुलाई है। और ऐसे में स्टूडेंट लोग परेशान हो गए हैं कि 20 जुलाई का तो लास्ट डेट है, इससे पहले हम लोग को करना होगा तभी कुछ हो पाएंगे, अपना बात पहुंचाना होगा। आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट अपना वादा रखा था, वादा किया था जो गर्ल्स हाइट है उसमें छूट मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गर्ल्स हाइट में छूट नहीं मिला। आप लोग का फॉर्म भी आ गया, कुछ ऐसा हुआ नहीं, और ऐसे में लेकर गर्ल्स लोग परेशान है और एज को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। एज को लेकर आज से मांग नहीं किया गया, ट्विटर कैंपेन भी किया गया, बहुत सारे बातें किए गए, बात पहुंचाया भी गया, पर ऐसा कुछ भी बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिला। अब क्या करना है, आप लोग जो कल प्रोटेस्ट करिएगा, बिहार में बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, शिक्षक बहाली, बहुत सारे जो पुलिस लोग टारगेट भी करते हैं, ये सब मैटर तो है ही है, पर आप लोग को इतना बात ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे ये शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, अपना बस मांगे रखेंगे, किसी के बहकावे में आकर या कुछ दूसरे के उकसाने पे कुछ गलत ना कर बैठिएगा, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, अपना बात शांति से रखिएगा, शांति से पहुंचाइएगा। मीडिया वाले आएंगे, मैं भी आऊंगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और एज को लेकर, जो हाइट को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करना है, बात को रखना है, और जो भी चीजें हैं, आप लोग का 20 तारीख तक लास्ट डेट है और बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, इसी को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, और ये उठाना भी चाहिए, सही भी है, क्योंकि एज के कारण बहुत सारे स्टूडेंट लोग परेशान है, गर्ल्स हाइट को लेकर परेशान है, और बहुत सारे बोलते हैं कि जो 2023 में जो एग्जाम दिए हैं इनका क्या हो पाएगा, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 2022 वाले भर सकते हो, इससे पीछे वाले भर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग परेशान इस चीज को लेकर, मैं कल आने वाला हूं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, कल मैं लाइव भी आने वाला हूं और आप लोग के साथ में मैं खड़ा भी रहने वाला हूं, और जो भी चीजें होगा कल मैं आप लोग के साथ ही रहूंगा, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल भी इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल गया था, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ गए थे इस किताब से। इस किताब में खास बात यह है कि इस किताब में 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न है, 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, और ये आपके लेटेस्ट सिलेबस जो होता है और एवं पैटर्न पर आधारित किए गए हैं, यानी कि जिस तरह का सवाल आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जिस पैटर्न पे पूछे जाने वाले हैं, इसी पैटर्न और इसी तरह का सवाल आपके इस किताब में दिए गए हैं। इस किताब को परसेस करने से, पढ़ने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में किस तरह का सवाल पूछने वाले हैं और किस पैटर्न पे पूछने वाले हैं, तो सारा चीज़ इस किताब से आपको इस बार बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। इस किताब के स्टडी गाइड के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और ये किताब को पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कहीं भी पता करिएगा अपने नज़दीकी दुकान में कि चक्षु प्रकाशन का किताब है, तो आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। अगर वहाँ पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम होते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर तक दिया गया है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारा चीज परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं।